हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश की एक ट्रिक देखते हैं। इस ट्रिक में हम देखते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कौन सा फेल होगा। तो इसमें दे रखा है आई हैव गॉट टू फ्रेंड्स, मेरे दो फ्रेंड्स हैं। इसका मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, इनमें से दो हो गए, मतलब निश्चित हो गए फ्रेंड। अगर कोई चीज़ निश्चित होती है, इसमें हम जानते हैं आर्टिकल द निश्चित आता है। अगर कोई चीज़ फिक्स हो जाती है, उसमें द आर्टिकल आएगा, ये कन्फर्म है। इसका मतलब अदर और अनदर ये दोनों आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जो चीज़ निश्चित होगी उसमें द आर्टिकल आएगा, कन्फर्म है। तो इसका आंसर ए और बी ऑप्शन हो नहीं सकता। फिर हम आगे जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा भाई क्या है, द अनदर। तो मतलब क्या है, द भी एक आर्टिकल है, एन भी एक आर्टिकल है, तो एक साथ दो आर्टिकल आ नहीं सकते। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द अदर। ओके, थैंक यू।